वहाँ पे वो सुसाइड पॉइंट है जहाँ पे वो सुसाइड करते हैं लोग, ठीक है। यहाँ से बस भाई जल्दी चलो, ट्रेन आ रही है, जल्दी चलो यार, चलो। हेलो, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वीटी स्टार। सो गाइस, आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम मारने वाले हैं नाइट आउट। तो गाइस, नाइट में वीडियो बनाने काफ़ी टाइम हो गया है, तो आज हम चल रहे हैं भाई नाइट आउट मारने और वीडियो बनाएंगे और कोशिश करेंगे भाई हॉरर ब्लॉग बनाने का, क्योंकि हम जिस लोकेशन पर चल रहे हैं वहाँ पर भाई लोग कहते हैं वहाँ पे कि रात में भूत टहलते हैं, मतलब कि चिंगारी लेके जैसे कि आग लेके भाई दौड़ते हैं वो भूत लोग। तो आज हम हॉरर ब्लॉग बनाने वाले हैं, काफ़ी तगड़ा और काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। तो इस वीडियो के यार लास्ट तक देखना, काफ़ी मज़ा आने वाला है, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर किसी तरह आ गए हो तो यार जो मेरा चैनल है ना, सब्सक्राइब कर लेना, मेरे नाम के बगल में सब्सक्राइब बटन होगा, सब्सक्राइब कर लेना और बगल में एक नोटिफिकेशन बेल मिलेगा, उसे भी भाई ऑन कर लेना, ठीक है। और मेरे साथ चलने वाले देख लीजिए, ये तीन का नाम है भाई शिव शंकर तोमर, देखो। तो आज हम दोनों भाई नाइट आउट मारेंगे दोनों मिलके और काफी अच्छा ब्लॉग बनने वाला है। तो भाई ये पूरा हॉरर ब्लॉग है, भूतिया ब्लॉग, तो इसकी अभी से फट रही है क्योंकि, ठीक है। और अभी हम इसके घर पे हैं, ठीक है, अभी हम इसके घर पे हैं, तो जहां हम चल रहे हैं तो देखते हैं इसका अंदर का भाई क्या सीन होने वाला है, आदमी डरता है कि नहीं डरता। वैसे तुम आदमी हो कि लड़का, ये बताओ पहले, हम हमारी पब्लिक कंफ्यूजन में है। वो मुझसे एज पूछ रहा था, तुम्हारी एज क्या है? 20 इयर्स एज है और मैं डरता नहीं, मेरी फटती नहीं बिल्कुल, क्योंकि मेरे पब्लिक में किसी एक ऐसे इंसान को नाम नहीं लूंगा, वो मतलब वो इंसान तुमको पसंद करने लगा है। कौन? एक इंसान है तुम्हें पसंद करने लगा है, ठीक है। तो इसकी एज क्या एज बताए? 20 इयर्स। तो इसकी 20 इयर्स बोलते हैं कितना है? 20 बोलते हैं और क्या बोलते हैं? तो 20 साल बोलते हैं, तो काफी कॉमेडी होगी। तो चलते हैं भाई लोकेशन में और काफी तगड़ा भाई, कोशिश करेंगे कि तगड़ा ब्लॉग बने भाई, भूतिया ब्लॉग, क्योंकि हमारी पब्लिक जो है ना वो कभी कभी कहती है भाई भूतिया ब्लॉग बनाओ, काफी अच्छा लगता है, बहुत मजा आने वाला वीडियो में देखे तो। तो वीडियो हम कोशिश करेंगे कि बहुत ही शॉर्ट बनाएं, 5-6 मिनट से ज़्यादा नहीं बनाएं। वीडियो अगर ओपन करनी है तो साथ में किसी को बैठा लेना, अकेले बैठे तो हार्ट अटैक भी आ सकता है तुम्हें। सो गाइस, अगर अभी आप तैयार नहीं हो तो तैयार हो जाओ, कान में लीड लगा लो, क्योंकि अभी ये अगड़ाई ले रहा है, अगड़ाई लेते वक्त हम निकल लें पूरे जोश के साथ, काफी होश के साथ। अभी खा लिया हमने खाना, ये देखो खाना रखा हुआ है, देखो जमीन में ये रखा है, तो खाना खा लिया, पेट पूरा फुल हो गया, एनर्जी पूरा एकदम तगड़ी आ गई है। तो आज वीडियो बनाएंगे काफी तगड़ा और रात में निकलते हैं, देखते हैं कितनी टाइम तक बनाते हैं। सो गाइज, हम सब भाई जिस लोकेशन की बात कर रहे थे उस लोकेशन पे हम आ चुके हैं भाई हॉरर ब्लॉग बनाने। जैसा कि आप देख रहे हैं भाई, ये रेलवे ट्रैक है, यहाँ पे फाटक है, तो यहाँ पे कुछ दूर जाने पे भाई उस लोकेशन पे हम पहुँच जाएंगे जहाँ पे भाई सुसाइड होती है, जहाँ पे कहते हैं लोग यहाँ पे सुसाइड कर लेते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे भी भाई जंगली जानवर भी मर जाते हैं और कुछ लोग आके सुसाइड कर लेते हैं। तो काफ़ी डरावना इलाका है और अभी हम जैसे कि आपको आगे से भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर ट्रेन हरदम एक मिनट पर ट्रेन आती है, तो यहाँ पर इसलिए सुसाइड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पे सुसाइड कर लेता है, बहुत ही सुनसान एरिया है भाई, देख लीजिए, हम दो के अलावा यहाँ पे और कोई नहीं है, देख लो पूरा रोड खाली है, इधर पूरा रोड खाली है और इधर भी पूरा रोड खाली है, देख लो। तो यहाँ पे कोई भी नहीं है और टाइम अभी दिखा दो कितना हो गया, टाइम कितना हो गया? 12। तो अभी 12 बज रहे हैं और अभी हम आपको पूरा सीन पूरी रात में दिखाते हैं, तो काफ़ी खतरनाक सीन होने वाला है। इस ब्लॉग को काफ़ी तगड़ा, ये ब्लॉग काफ़ी तगड़ा बनने वाला है, लास्ट तक देखना। तो जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, देखो ट्रेन जा रही है, देखो ये ट्रेन जा रही है, अभी हम आपको सामने से दिखाते हैं, ठीक है। सो गाइस देख लीजिए सामने से, ये देखो ट्रेन जा रही है, ये देखो ये है मालगाड़ी और बहुत ही स्लोली स्लोली जा रही है, और ये देखिए रोड। तो इधर एक आदमी खड़ा है, देख लो जो फाटक मास्टर होता है, जो गेट मतलब खोलता है, ठीक है, और ये पूरा गेट है। और अभी हम कुछ दूर पे चलते हैं, वहाँ पे भाई वहाँ पे वो सुसाइड पॉइंट है जहाँ पे वो सुसाइड करते हैं लोग, ठीक है। तो उस पॉइंट पे चलते हैं जहाँ पे भाई सुसाइड करते हैं, जहाँ पे लोग मरते हैं, तो अभी वहाँ पे चलते हैं। और ये पूरा भाई भूतिया इलाका है, ठीक है, रात का समय हो गया है। तो देख लीजिए हमारी बाइक इधर खड़ी है, तो बाइक खड़ी करने की कोई जगह नहीं है, लेकिन हम सब ने यहाँ पे खड़ी कर दिया अपने रिक्शे पे। और ये लड़का भी सिर्फ देखो थोड़ा वैसा हो गया भाई, देखो आपको देख के थोड़ा हंसने लगा ना, तो ये थोड़ा इसके अंदर से डर सा आ रहा था, ठीक है। और अभी हम देखते हैं क्या होने वाला है, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट ट्रेन आ रही है, इसलिए गेट बंद हो गया, देख लीजिए, और भैया उधर से गेट बंद कर दिए हैं। ये देख लीजिए भाई फाटक पे कोई नहीं है, एक ट्रेन खड़ी है इधर मालगाड़ी, और अभी तक मालगाड़ी आगे नहीं जा रही, ठीक है।
देखो अब एक ट्रेन आने वाली है, तो दो तीन लोग हैं भाई, देख लीजिए टूट सकता खुल नहीं सकता, तुझे अलार्म बजता है मतलब कि नेक्स्ट ट्रेन आने वाली है। हाँ मतलब गेट बंद करो ट्रेन आएगी, अब सिंगल जब ही दिया जाएगा सिंगल, जब तक गेट बंद हो सिंगल नहीं आएगा। जब ये ट्रेन खड़ी है ऐसी ट्रेन खड़ी हुई है कि यहाँ पे ये मतलब है, यहाँ पे सकता है और खुल नहीं सकता जब तक स्टेशन आ गया। अच्छा ट्रेन चलेगी फिर से ये अलार्म बजेगा, आराम बजेगा खुलने के लिए। अच्छा ये मतलब है, देख लो माइक लगी हुई इतनी बड़ी सी। सो भाई देख लीजिए जैसे कि पटरी है, इधर ये ट्रेन खड़ी है, देख लीजिए मालगाड़ी। और अगर अब यहाँ पे ट्रेन ना हो ना बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, एकदम सुनसान एरिया हो जाता है, ठीक है। ये देख लो जैसे कि आगे के सीन, ये ट्रेन खड़ी है ठीक है भाई, पूरा सुनसान है, एकदम रात हो गया भाई, एकदम 12:30 बज रहे हैं, ठीक है टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, पूरा सुनसान एरिया भाई, सड़क मतलब पटरी ही पटरी दिख रही है, और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा भी हो जाता अगर ट्रेन चली जाती तो। लेकिन ट्रेन अभी जा नहीं रही ना तो अंधेरा आपको दिखाते भाई, एकदम डरावना सीन बन जाता काफ़ी तगड़ा वाला, ठीक है। ये देखो कुछ ही लोग रात रात में जा रहे हैं भाई, जो ड्यूटी करके जा रहे हैं, देखो टिफिन भी रखा हुआ है ठीक है, ड्यूटी करने वाले लोग हैं और कोई भी नहीं है, रोड पूरा खाली है, देख लो एकदम डरावना इलाका है पूरा, ठीक है पूरा खाली है। भाई देखो बिल्डिंग आपको दिख रही है ना भाई, ये कंपनी है जो बहुत बहुत पुरानी कंपनियाँ हैं, यहाँ पे कंपनी वर्कर यहाँ पे जो चले गए हैं, ठीक है। तो एकदम सुनसान इलाका है, देख लो पटरी पटरी। अभी अभी हम कोशिश करेंगे भाई उस सुसाइड पॉइंट पे जाने की, जहाँ पे उस सुसाइड पॉइंट है, जहाँ पे सुसाइड करते हैं लोग, ठीक है वहाँ पे चलते हैं, जहाँ पे एकदम भूतिया एकदम मतलब सीन होने वाला है, ठीक है। तो भाई ये भारतीय रेल, सो गाइस हम पटरियों पे आ चुके हैं भाई, जहाँ पे सुसाइड पॉइंट है, देख लीजिए यहाँ पे होता है सुसाइड, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही अंधेरा है, और इधर भाई पुरानी कंपनियाँ हैं, इधर बड़े बड़े बिल्डिंग है, ठीक है। और इधर देख लीजिए पूरा जंगल ही जंगल है, किसका कैमरे नहीं चलेगा। सो गाइस देख लीजिए इधर पूरा जंगल ही जंगल है, अभी भाई अंधेरा है इसलिए हम आपको पूरा दिखा नहीं पा रहे, ठीक है फोकस नहीं हो पा। और जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं पूरा सिंगल सिंगल पटरी है, ठीक है, और काफ़ी डरावना इलाका है भाई, देख लीजिए पता नहीं कैसे कैसे यार अंधेरे काले काले से वो दिख रहे हैं, ठीक है। और इधर पूरा जंगल है, देख लीजिए पूरा जंगल है, ये देख लो पूरा जंगली जंगल है, ठीक है। सो भाई जैसा कि हम आप बात कर रहे थे भाई, हम पटरियों पे आ चुके हैं भाई सुसाइड पॉइंट पे, जहाँ पे भाई सुसाइड होता है, और हमारा हम वीडियो में आ रहे हैं, और हमारे साथ में देख लीजिए शिवशंकर तोमर भाई फ्लैश पकड़े हुए हैं भाई, हमारी सहायता कर रहे हैं। तो यहाँ पे भाई बहुत ही डरावना सीन हो गया भाई, थोड़ा सा अंदर से भाई फीलिंग आ रही है डर वाली, लेकिन हम भाई डरते थे बिल्कुल नहीं, लेकिन ये डर गया है क्यों, बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ एक्चुअली मैं, यहाँ बहुत खतरनाक चीज़ें हैं, बहुत आप बिलीव नहीं करोगे। सो गाइस जब बिलीव करो, सो गाइस हमको ऐसा भाई फीलिंग हो रहा है भाई, जो यहाँ पे सुसाइड पॉइंट है ना, ये देख लीजिए जैसे आपकी सिंगल नीचे नीचे दिखाओ, नीचे भाई जो नीचे पटरियाँ दिख रही है ना, यहाँ पे भी सुसाइड पॉइंट होता है, हम अब हमको दिखाओ। तो भाई ये जंगल ये देख लीजिए, तो इधर भाई बहुत से जानवर भी कट पर मतलब कट गए हैं मर गए हैं, ठीक है। और बहुत से इंसान यहाँ पे मतलब सुसाइड करते हैं, और बहुत ही डरावना इलाका है, कहाँ माना जाता है यहाँ पे भाई रात में कोई आता नहीं, बहुत ही ज़्यादा डरावना इलाका हो जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा डरावना सीन हो जाता है। तो हमको फीलिंग आ रही भाई बहुत ही डर लग रहा है, क्योंकि रात के बहुत ज़्यादा टाइम हो गए, 12:30 बज रहे हैं, और यहाँ पे भाई मिनट मिनट पे ट्रेन आ रही है, हमको बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही भाई, हमको कोई ना यहाँ पे उड़ा दे तो हम ही यहीं पे रह जाएं भाई, ट्रेन पे ट्रेन आ रही है लगातार, क्योंकि हम पटरियों पे चल रहे हैं, देख लीजिए ये पूरा पटरी है, ठीक है। और आगे से भी देखो ट्रेन आ रही है, देखो वो लाइट जल रहा है, देखो ट्रेन आने वाली, यहाँ पे मिनट मिनट पे ट्रेन आ रही है, और काफ़ी ज़्यादा डरावना सीन हो चुका है। और ये देख लीजिए पूरा रात हो गया अंधेरा, और हम दो लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ से बस भाई जल्दी चलो, ट्रेन आ रही है, जल्दी चलो यार, चलो पता लगे यार चले गए यहीं पे रह जाएंगे, चलो आ जाओ। सो गाइस देख लीजिए सामने से ट्रेन आ रही है, देखो मिनट मिनट पे ट्रेन आती है भाई यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे सुसाइड ज़्यादा होता है, क्योंकि ट्रेन ज़्यादा आती है यहाँ पे। ये देखो भैया दो चाय लगाओ फटाफट, गरम गरम चाय है, दो चाय लगाओ फटाफट। ये देखो हमारी चाय, मटरी मटरी, हाँ मटरी दो, चाय बनाई अच्छी खासी, कौन सी दूध की है, भैंस की गाय की बड्डे की पड्डा कौन होता है पट्टा, हाँ
खतरनाक चीज है। तो गाइस ये देख लो मटरी, इसको खाएंगे चाय के साथ। चाय के साथ खाएंगे पियेंगे, जो बन भी चल रहा है। चाय के साथ पियेंगे खाएंगे चूस जाएंगे चूस। सो भैया हम सब खा रहे हैं मटरी इधर। आए वीडियो पहुंच गए, देखो इस बहुत ज्यादा भूखा था। देखो 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 कह रहा था हमको भूत ज्यादा, बहुत भूतों ने हमको डरा दिया, इसलिए हम सब चाय पीने आ गए भाई आज इस मीटिंग में। तो भैया चाय बनाइए ना, बड्डे की चाय बनाइए, देखो गरम गरम। हमने बोला कि भैंस की चाय बना, मतलब भैंस के दूध की चाय बनाना, ठीक है, ये तो बड्डे की बनाए। वैसे चाय बहुत मस्त है, ठीक है, गोल्ड कॉफी लगाया, देखो चाय काफी अच्छा है, चाय अच्छा है एकदम मस्त है। ये मटरी कैसा है? मटरी बढ़िया बढ़िया है, घटिया नहीं है, घटिया नहीं है। तो आने वाले भाई दबा के खा रहे हैं, देख लो चाउमीन। दबा के खा रहे हैं एकदम मन लगा के चाउमीन खा रहे हैं, ठीक है। तो भैया घर नहीं जाते हो क्या? खाना नहीं खाए हो? टाइम लगेगा। कितने बजे दुकान बंद करते हो? चौबीस घंटे। अकेले के और कोई आता है? आने वाला है, आने वाला है। दिन भर में कितने लोग? दो लोग तीन लोग? दो। तो भाई दो लोग मिलके भाई टी स्टॉल पूरा संभालते हैं, ठीक है, 24 घंटे दुकान खुली रहती है भाई पंडित जी की। देखो यार आया करो चाय पी ली करो, ठीक है, और एक गुटखा वगैरह खा लिया करो। अगर गुटखा नहीं खाते हो ना कैंसर फैल जाए। खाया जरूर करो, ठीक है। ये देखो तंबाकू गुटखा चाय वगैरह सब कुछ है, सारे आइटम है, ठीक है, पानी वगैरह दूध वो सब है, ठीक है। तो आया करो भाई, थोड़ा मदद किया करो, ठीक है। ये देखो सो गाइज हम सब वहाँ पे भाई नाइट आउट मारने गए थे भाई, और ब्लॉग बनाने भाई रेलवे ट्रैक का। बाकी हम सब दो लोग थे, ठीक है, तो हम सब की थोड़ी यार फटने लगी थी यार, थोड़ा डर होने लगा था, इसलिए हम ब्लॉग बस छोटा सा बनाया, शॉर्ट ब्लॉग। और वहाँ पे भाई जहाँ पे हम गए थे भाई बहुत ही तगड़ा सुसाइड पॉइंट है भाई, वहाँ पे हरदम बहुत से लोग मरते रहते हैं, ठीक है, और वहाँ पे और काफ़ी अच्छा सीन हो गया भाई। हम अपने अपने रूम पे आ गए, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डरावना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा यार, अच्छा लगा तो यार एक लाइक जरूर कर देना। ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो पाने के लिए अपने भाई को सब्सक्राइब कर लेना, अपने बीटी स्टार भाई को। ऐसे मेरे नाम के बगल में भाई ये सब्सक्राइब बटन होगा, इसे सब्सक्राइब कर लेना क्लिक के। हम आपको ऐसे ही हॉरर ब्लॉग या मार्केटिंग ब्लॉग आपको ऐसे ही बनाकर देते रहेंगे। तो यार प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है यार, सपोर्ट करो थोड़ा यार, मदद करो, तो हम आपको ऐसे खतरनाक वीडियो देते रहेंगे और आपको ऐसे हंसाते रहेंगे। तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में या नेक्स्ट मार्केटिंग ब्लॉग में। आपका भाई लेता है आपसे अलविदा, बाय बाय, टाटा।